फिल्पियों, उसकी चार, चार की 17 से पढ़ेंगे। कहता है, ये नहीं कि मैं धान चाहता हूं, परंतु मैं एक ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हमें कहता है, ये नहीं कि मैं धान चाहता हूं, क्या चाहता हूं आपसे, धान चाहता हूं, पर आपके लाभ के लिए, आपके फल के लिए, ताकि वो बढ़ता जाए। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। दान नहीं, मनुष्य कहता, मैं दान नहीं, मैं आपसे बल फल चाहता हूं जो आप में बढ़ता जाए, जो आपके लाभ के लिए। बोलो क्या है? आज वो भाई साहब आए हैं जो थर्सडे, जिनसे मेरी बात हुई थी लास्ट में, उनका नाम वरिंदर है, जो सिक्योरिटी की लगता है, नहीं है, नहीं आए। सुनो, आज वो आए नहीं भाई साहब, थर्सडे मीटिंग के बाद वो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कभी उसे, कम से कम यहाँ पे आते उस भाई को 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने। कितने? अब उसकी प्रॉब्लम है मैरिज प्रॉब्लम, प्लस उसके पास अपना घर नहीं है, किसी ने, बोलो, उसके अपनों ने धक्के से उसके ले लिया, और वो अब दे नहीं रहे, हिस्सा नहीं दे रहे। अब माता पिता भी नहीं है, पत्नी छोड़कर चले गई है। उसने क्यों छोड़कर चले गई है? क्योंकि वो मसीह में आ गया। तो उसने कहा, तूने अपना धर्म बदल लिया, क्या बदल लिया है, तूने अपना धर्म बदल लिया है। इसलिए उसकी फैमिली वाले कहते हैं, हमने अपनी बेटी को तेरे साथ नहीं रखना। अच्छी बात यह है कि वो भाई ने कहा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं है, इसे ले जाओ। पर सुनो, अब ये काम तो अच्छा किया, ये काम तो उसने अच्छा किया, पर सुनो, अगर वो आशीष चाहता है, मेरी उससे बात हुई, जैसे प्रभु ने कहा ना, अब जब मत्ती 23 की कितनी आयत है ये भी पढ़ लो, ताकि आप क्लियर हो जाओ अच्छे से। मैं आपको बताता हूं, आप अच्छे से, आज खुदा आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। मैंने कहा, अपनी ब्लेसिंग के लिए भी नहीं आप बोलते हो। ये देखो, मत्ती 23 की 23 में लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें अर्थात राचे और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल डालते हो। यीशु मसीह ने ऐसे शास्त्रियों और फरीसियों को कहा, जो परमेश्वर के पुराने नियम की व्यवस्था को सिखाते थे, जो मूसा के द्वारा दी गई थी। हाँ, उसने कहा, अच्छी बात है, तुम जीरे सौंफ इन चीजों का दशमांश देते हो, पर तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया, अर्थात है ना, ऐसे विश्वास, ऐसे से चीजों को, है ना, तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया है, क्या कर दिया है तुमने, छोड़ दिया ना। कहते, चाहिए था तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें, न्याय, ध्यान और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जैसे उस माई ने ये काम तो अच्छा किया, उस प्रभु के लिए, जो लोगों की जीवन के लिए, उन पापों के लिए मुक्ति देने के लिए वो आया, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया मगर प्रभु को नहीं छोड़ा। ये बात तो उसने अच्छी की। कितनों का समझ आ रही है? ये बात तो उसने अच्छी की, क्योंकि माता पिता कहते, तूने यीशु को अपना धर्म बदल लिया, अब हम अपनी बेटी को तेरे साथ नहीं रखेंगे। कहते, चलो ठीक है, ले जाओ। पर उसने ये काम तो अच्छा किया, पत्नी चलेगी मगर उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। अब सुनो, अब वो चाहता है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, हर मीटिंग में आ रहे हैं, आज ही नहीं आया, नहीं तो हर संडे वीरवार आता है। मैं लंबे समय से उसे देख रहा हूं, क्योंकि जब वो नया नया आया था तो वो लाइव मीटिंग देखता था, उसकी ये प्रॉब्लम थी और लाइव मीटिंग हमारी देखता था। और एक दिन उसने कॉल की मिनिस्ट्री में और बताया, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों ने बुलाया कि अगर आप अमृतसर में ही हो तो आप दूर तो नहीं हो, फिर आप आ सकते हो। तो वो फिर वो एक बार आया, फिर वो आया नहीं, फिर महीने बाद आया। बोलो क्या? फिर महीने बाद आया, फिर काफी समय बाद फिर आया। फिर मैंने उसे
उसने जब मेरे साथ बात हुई तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं है, क्योंकि बाइबल आती कर्म बिना विश्वास क्या है, आपका व्यर्थ है। अगर कर्म नहीं है उसमें तो फिर विश्वास काम नहीं करेगा। आप घर बैठे हो तो कैसे काम। फिर उसने मेरी बात को सुनकर लगातार किसकी हजूरी में आना शुरू किया, हर संडे वीर लंबे समय से वो आ रहा है, आज नहीं आया। अभी संडे सॉरी थर्सडे मेरी उससे बात हुई, मैंने ऐसे पूछा आपका काम धंधा बढ़िया चल रहा है, कहता हाँ। मैंने कहा क्या करते हो, कहता वही सिक्योरिटी की ड्यूटी। मैंने कहा फिर आप ड्यूटी करते हो, उसने कहा मेरी नाइट की ड्यूटी होती है ना ऐसे। वो कहता अभी मेरी डे नाइट होती है ऐसे, मैं दो दिन लगाता हूँ दो दिन छुट्टी, और उसके हिसाब से मैं ऐसे करता हूँ ताकि मैं वीरवार भी आ जाऊं और संडे भी आ जाऊं। हाँ ये चीजें तो अच्छा कर रहे हैं ना, पर इस अच्छे से जैसे यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को कहा ये अच्छी चीज कर रहे हो कि तुम सौंप जीरे इन चीजों का दशमांश दे रहे हो, पर व्यवस्था की गंभीर बातें दया हाँ इन चीजों को तुमने छोड़ दिया। चाहिए था वो भी करते रहते, पर मैंने जब उससे पूछा अच्छा आप कितनी सैलरी लेते हो, कहता 10,000। मैंने कहा अपना 20 बोते हो, कितना बोते हो। मैंने मुझे आत्मा से लगा ये उसका मन के हिसाब से, मैंने कहा 500 बोते होंगे। मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा सोचा उसको देखकर कि 500 तो बोता होगा पक्का ही, पर उसने कहा मैं कुछ नहीं करता। अब मुझे बताओ कैसे मिलेगी आशीष, बोलो। पर उस कहता मैं दान नहीं, मैं तुम्हारे लाभ को चाहता हूं ताकि आपका लाभ बढ़ता जाए। कहता मैं दान नहीं, मैं लाभ चाहता हूं ताकि आपकी आशीष के लिए वो बढ़ता जाए। क्या जाए? बढ़ता जाए, बढ़ता। अब मैंने काफी समय पहले ही बताया ना, जो कॉलगेट का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो प्रभु में, और वो एक गरीब बंदा था, सड़क साफ था, पर जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, कबूल किया और इस सच्चाई को समझा, क्या किया सुनो ध्यान से। अभी कितने लोग होंगे ऐसा जिनका मन परमेश्वर पर नहीं है, किस पर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, पर उस बंदे ने देखो वो सड़क शाप तक कुछ कोई उसके पास काम धंधा नहीं, गरीब है, कुछ नहीं, बेकार। पर जब उसने यीशु मसीह को जाना और उसकी हर एक बात को समझा, उसने अपनी ब्लेसिंग के लिए जब इस बात को समझा कि बोने से क्या आशीष मिलती, बोलो क्या है? उसने जब ये काम शुरू किया तो उसने परमेश्वर से कमिटमेंट की, वादा किया कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, अगर आप चलाओगे तो मैं 20% परमेश्वर निकालूंगा, तेरे वचन में 10% निकाल, मैं 20 निकालू। जब उसका ऐसे अभी बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ था, एक कमिटमेंट की परमेश्वर से कि मैं 20% करूंगा, परमेश्वर ने बहुत उसका काम चलाया, बहुत उसे ब्लेस किया, इतना वो बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब परमेश्वर को उसने कहा मैं अब मैं 30% करूंगा, जब उसने 30 शुरू किया और बढ़ गया, अब वो कहता मैं 50% करूंगा, उसका बिजनेस और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? उसका बिजनेस और बढ़ गया। अब लास्ट पे उसने परमेश्वर को कहा मैं अपने लिए सिर्फ 10 रखूंगा और 90% परमेश्वर तेरे लिए करूंगा। आज वो बंदा करोड़ों में क्या है, वो करोड़ों में क्या है आज, वो करोड़ों का बिजनेस उसका, करोड़ों का। समझ आ रही है? अरे परमेश्वर तैयार है, बोलो क्या है। पर आपकी चिपचक मन नहीं है, मन नहीं। एक गरीब व्यक्ति सोचता है मैं तो गरीब हूं, अरे आप उसमें वफा है। देखो अभी वो 10,000 में मैंने सोचा 500 बोएगा, 500 बोता होगा, क्योंकि कईयों की आदत है वो जब ज्यादा होता तो नहीं बो पाते। हाँ, अगर 100 रुपया कमा रहा है तो कहते चलो 10 डाल देते हैं, जब 500 हो जाएगा तो 50 दिक्कत आएगी, 1,000 आएगा तो और दिक्कत आएगी, 10,000 हो गया 50 है तो वो कहता मैं दान नहीं, मैं तुम्हारे लाभ के लिए चाहता हूं। बोलो क्या है? मैं लाभ के लिए चाहता हूं। जब हन्ना ने अपना मन खोला खुदा के लिए, कितने बच्चे मिल गए। जब हम परमेश्वर के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, अब चेक करो, अब चेक नहीं करते कैसे शैतान आपको अपने विचारों से मार रहा है, और फिर हम कहते हैं क्यों नहीं हो रहा काम, क्यों नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा उत्तर।
हाँ, कुछ लोग बोने में वफादार हैं। अब वो बंदा, उसने पत्नी को छोड़ दिया मगर यीशु को नहीं छोड़ा। ये काम तो उसने अच्छा किया, मीटिंग में नहीं आता था, लाइव देखता था, आना शुरू किया, ये अच्छा किया। अब अपनी ब्लेसिंग के लिए, ये काम के लिए उसकी उसकी सुई पैसों पर अटकी। हाँ, क्या अटकेगी? अब बहुत सारे लोग होंगे जिनका मन अभी भी किया है, जबकि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है और बहुत आशीष देना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग अपने लाभ के लिए तैयार हैं और आत्मिक जीवन, क्योंकि ये जीवन की एक ग्रोथ है, आपकी आशीष की ये ग्रोथ है, क्योंकि ये एक आत्मिक नियम है जिसमें आपने बढ़ना है। क्योंकि जब तक आप बढ़ोगे नहीं तो आप उस आशीष के हकदार नहीं हो सकते, पर अगर आप करते हो तो परमेश्वर अपना स्वर्ग खोलेगा। उसने कहा, तुम पृथ्वी की सब जातियों से ऊंचा होगे,